दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फेड इन एंड फेड आउट मेथड के बारे में, जो कि जेक्वेरी के अंदर ये यूज होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं ये जो फेड इन और फेड आउट का इफेक्ट है, ये बाकी कैसे जो मेथड है उनसे अलग है और ये किस तरीके से काम करता है हमारे एस्टेबल कंटेंट के ऊपर। तो यहाँ पे जैसा कि आपने अभी पिछले देखा कि हाइड और शो की यहाँ पे जो फंक्शनलिटी थी, जो मेथड था यहाँ पे, उसको हम किस तरीके से अपने एस्टेबल कंटेंट के अंदर यूज करते हैं, सेम कुछ इसी तरीके का काम यहाँ पे फेड इन और फेड आउट का भी है। जहाँ पे फेड आउट क्या करता है कि अगर किसी पैराग्राफ के ऊपर आपने फेड आउट लगाया तो वो क्या करेगा, उस पैराग्राफ को गायब कर देगा, यानी कि हिडन कर देगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने किसी भी पैराग्राफ के ऊपर या कोई भी एलिमेंट हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर आपने फेड इन का लगाया है या फिर फेड आउट का लगाया है, तो ये उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा, यानी कि फेड इन के केस में वो फिर से शो हो जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि जो जो भी पैराग्राफ के ऊपर या जहाँ पे भी आप लगा रहे हैं इस मेथड को, उसकी ओपेसिटी जो होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है, अगर आपने वहां पर फेड आउट उस इमेज के ऊपर लगाया है, तो वो क्या इमेज होगा कि जितनी आपने उसके अंदर जो फंक्शनलिटी है, जैसे कि स्लो, फास्ट या फिर वेरी स्लो, या फिर आपने कुछ मिली सेकेंड उसके अंदर दिया हुआ है, तो वो उतने टाइम के अंदर धीरे धीरे उसकी ओपेसिटी, यानी कि वो धीरे धीरे ब्लर होते हुए गायब हो जाएगा। ऐसे ही फेडिंग के केस में वो फिर से धीरे 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 अपियर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे फेड इन और फेड आउट जो मेथड है ये हमारे एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने हाइड और शो का यहाँ पे इवेंट लगा के रखा था, तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं के ऊपर हम अपने फेड इन और फेड आउट को यहाँ पे चेंज करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसे मैं इसको मैं कर देता हूँ फेड इन, या फिर इसको नाम दे देते हैं फेड आउट, क्योंकि ये हाइड करने वाला है, तो हम यहाँ पे इसको फेड आउट बटन कर देते हैं और ऐसे ही हम इसको कर देते हैं फेड इन पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्लास का नेम भी हम यहाँ पे कर देते हैं फेड इन, और अगेन यहाँ पे टॉगल की भी फंक्शनलिटी अभी आने वाली है, तो अभी फिलहाल हम सबसे पहले फेड इन और फेड आउट को समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारा काम करता है। तो सबसे पहले जो हमारा आउट की फंक्शनलिटी है उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम ये जो क्लास है इसकी हेल्प से इसके क्लिक इवेंट को यहाँ पे ट्रिगर करेंगे और जो हमारा पैराग्राफ होगा उसको हम कर देंगे फेड आउट। तो यहाँ पे हाइड की जगह आपको सिंपल लिखना होगा फेड आउट, और आप यहाँ पे टाइमिंग दे सकते हैं या फिर सिंपल अगर आप यहाँ पे कॉल करते हैं फेड आउट तो यहाँ पे भी काम हो जाएगा। तो जैसा इसका जो डिफॉल्ट होता है, यानी कि तुरंत अपियर होना और तुरंत डिसअपियर होना, यानी कि फास्ट जो यहाँ पे मूवमेंट है उसकी, वो यहाँ पे परफॉर्म करता है डिफॉल्ट के केस में। अगर ऐसे यहाँ पे आप टाइमिंग दे देते तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करता है। ऐसे ही अब हम फेड इन के लिए भी कर देते हैं कि ये फेडिंग है हमारा, यहाँ पे हम इसको क्लास प्रोवाइड कर देंगे और इसका जो क्लिक इवेंट है इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि हम जो हमारा मेथड है फेड इन मेथड उसको कॉल कर देंगे। तो फेड इन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं तो जो इसकी डिफॉल्ट स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके सामने अपियर हो जाएगा या फिर डिसअपियर हो जाएगा। तो सेव करके इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है, जो भी मेथड हमने लगाया फेड इन फेड आउट, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो फेड आउट के केस में मैंने बोला कि ये गायब हो जाएगा, तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये तुरंत गायब हो गया। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिया, 1 मिली सेकेंड का। तो आपने यहाँ पे हाइड और शो में देखा कि वो तुरंत डिफॉल्ट के केस में तुरंत गायब हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे फेड इन फेड आउट के केस में ये जस्ट 1 मिली सेकेंड का डिफरेंस लेते हुए वहां पे गायब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेड आउट के केस में हो क्या रहा है कि यहाँ पे ओपेसिटी उसकी कम हो रही है, एकदम से हाइड नहीं हो रहा है, लेकिन हाइड एंड शो के केस में वहां पे कंप्लीटली हाइड हो रहा था। तो आप इस डिफरेंस को जरूर देखें कि फेड इन और फेड आउट के केस में आपके कंटेंट की, यानी कि जो आपने पैराग्राफ के ऊपर लगाया या किसी भी चीज के ऊपर लगाया है, तो उसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम होती है और धीरे धीरे जीरो हो जाती है, यानी कि वो पूरा गायब ही हो जाता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे फेड इन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये अपियर हो गया, ये भी कुछ मिली सेकेंड का टाइम लिया, डिफॉल्ट के केस में ये मिली सेकेंड का टाइम लेता है अपियर और डिसअपियर होने में। सिंपल जो फंक्शनलिटी थी फेड इन और फेड आउट की वो हमने देख लिया। अगर आप इसके अंदर टाइमिंग यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि स्लो फास्ट अगर करना चाहते हैं, तो आप इसी के अंदर यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं कि ये स्लो हो या फिर फास्ट हो। तो हम दोनों को यहाँ पे स्लो कर देते हैं, देन उसके बाद से इसको रिफ्रेश करके देखेंगे कि हमारा यहाँ पे काम बना कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा काम यहाँ पे बन गया, थोड़ा सा उससे ज्यादा टाइम यहाँ पे अब आ रहा है। तो आप इसकी टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं सिंपल
यहाँ पे आप इसकी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं टाइमिंग की, जैसे कि 2000 मिली सेकेंड ऐसे, या 5000, जितनी आपकी टाइमिंग उतनी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा लास्ट में जो आता है यहाँ पे टॉगल का, कि एक ही बटन के ऊपर हम अगर ये सारा कुछ कर सके, मतलब फेड इन पहले राउंड में हो, जैसे हम उस पर क्लिक करें तो वो फेड आउट हो जाए, फिर हम क्लिक करें तो वो फेड इन हो जाए, यानी कि पहले गायब हो फिर शो हो, अगर हम एक ही बटन से कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टोगल फंक्शनलिटी को यूज करते हैं। तो टोगल बटन हमने किया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इवेंट इसके अंदर यूज होता है टोगल करने के लिए वो होता है फेड टोगल, जिसके अंदर हम यहाँ पे टोगल का जो टी लिखते हैं वो कैपिटल लिखते हैं, बाकी ये कैमल केस में होता है, तो आप इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये टोगल बटन है, इस टोगल बटन की हेल्प से हमने क्लिक इवेंट को फायर किया और जो पैराग्राफ है हमारा वो टोगल फेड टोगल अप करेगा। तो देखिए हम इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, और जब हम टोगल पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो पहले राउंड में वो हाइड हो गया यानी कि डिसअपियर हो गया, फिर हम जब क्लिक करेंगे तो फिर से शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फेड इन और फेड आउट की जो भी यहाँ पे मेथड है आप इसको अलग अलग चीजों पे अप्लाई करिए, जैसे कि इमेज के ऊपर करिए, डिव के ऊपर करिए, या फिर कोई भी तरीके की आपके पास डिजाइन है उसके ऊपर आप ये अप्लाई करके देखिए, तब तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कितना यूजफुल है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास नेविगेशन मेन्यू है, अगर जैसे विंडो की यहाँ पे जो साइज जो होती है वो छोटी होती है, तो आप वहाँ पे जो टॉगल एक बटन है उसको आप लगा सकते हैं, यानी कि क्लिक करेंगे तो मेन्यू शो होगी, फिर क्लिक करेंगे तो मेन्यू गायब हो जाएगी। तो ये सारी एक छोटी मोटी फंक्शनलिटी ऐसे आती है, आप इसको यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।